शाइस्ता लोधी अपने दिलकश अंदाज से तशरीफ लाते हैं। मैम आपकी आमद के मौके पर एक शेर नजर करना चाहूंगा, इजाजत है? कि गुलों के लबों पर तबस्सुम नहीं तो कुछ भी नहीं, रविश रविश पर तरन्नुम नहीं तो कुछ भी नहीं, नजारे लाखों अख्तर मगर खुदा की कसम महफिल में जब तक शाइस्ता नहीं तो फिर दुनिया में कुछ भी नहीं। अलैकुम, क्या हाल चाल आप लोगों के? आज मैं क्लिनिक से जरा आधे दिन की छुट्टी मारी है और मैंने कहा कि आज हम चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। हम जा रहे हैं रुबाइशा कहाँ? कार्निवल बहरिया टाउन कार्निवल पे, जहाँ के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। दो माई डॉटर वॉन्टेड टू गो टू थीम पार्क, लेकिन वो शायद अब खुला नहीं होगा या उसकी टाइमिंग्स डिफरेंट है ना, तो हमने कहा ठीक है कुछ एक चीज ना मिले दूसरी चीज मिल जाए। तो खाने के हम सब शौकीन है, मेरी फैमिली आज वहाँ जा रही है। अब तो भावलपुर बहरिया टाउन भी लॉन्च हो रहा है, बहरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत ही माना हुआ है। मैं पहले गई हूँ, लेकिन जब बहुत शुरू में बहरिया बन रहा था तो सब प्लानिंग के बाद जब कंस्ट्रक्शन हुई थी, अब तो मैं वो बहुत दिनों से नहीं गई। ये सुना है कि अब तो बहुत डेवलप हो गया है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा आ गई, हमारी अपनी फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ, बड़ी अच्छी बात है। मेरी फैमिली जो है ना पहुँच चुकी है वहाँ, मैं एज यूजुअल लेट हो गई। मैंने बोला था कितने बजे, मेरे घर वाले हंसते हैं कि जितने बजे का इनको टाइम दो ना उससे दो घंटे आगे लगा लिया करो टाइम, 5 बजे 7 बजे पहुंच जाएंगे। तो क्या कहते हैं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, तो चलते हैं। लेकिन देखें मैं ट्रेन मिस नहीं करती, पकड़ लेती हूँ, देर से पकड़ती हूँ, लेकिन खैर खाना खाएंगे आज बहरिया में और आप मेरे साथ साथ चलेंगे और देखेंगे कि कितने मजे के खाने मिलेंगे। किचन में घुस जाएंगे ना, आज रेसिपी पूछ लेंगे। पहुंच गए। तो हम अराउंड 45 मिनट्स में यहाँ पहुंचे और इस वक्त रश का वक्त होता है। फ्राइडे और सैटरडे वैसे भी आपको बड़ा रश मिलता है ना। यहाँ कार्निवल भी है जिसमें बहुत सारे खाने के रेस्टोरेंट्स हैं, चीजें हैं, शॉपिंग तो नहीं है ना। और एक एडवेंचर पार्क है जिसमें मेरी चूंकि फैमिली पहुंची हुई है तो वो लोग एडवेंचर पार्क में गए हैं, अभी आ जाएंगे। पहले हम खाना खाएंगे यहाँ क्योंकि रात हो चुकी है अब। उसके बाद प्रॉबेबली, मुझे नहीं पता लेकिन इन लोगों का प्लान है कि यहाँ के सिनेमा को एंजॉय किया जाए। तो लेट्स सी अगर हम सिनेमा में गए, क्योंकि 11 बजे यहाँ कार्निवल भी जहाँ रेस्टोरेंट है वो भी बंद हो जाता है और जो इनका एडवेंचर पार्क है वो भी बंद हो जाता है। सिनेमा इनका 11:30 ऑनवर्ड्स भी है, मतलब 11:30 कोई लास्ट मूवी है उसके वो चलेगी प्रॉब्ली 1 बजे तक। हम यहाँ से सोचे 1:30-1:30 निकले तो हम पहुंचेंगे कराची कितने बजे, बट लेकिन ठीक है चलो कल सैटरडे। डॉक्टर शाइस्ता लोधी अपने दिलकश अंदाज से तशरीफ लाते हैं। मैम आपकी आमद के मौके पर एक शेर नजर करना चाहूँगा, इजाजत है? कि गुलों के लबों पर तबस्सुम नहीं तो कुछ भी नहीं, रविश रविश पर तरन्नुम नहीं तो कुछ भी नहीं, नजारे लाखों अख्तर मगर खुदा की कसम महफिल में जब तक शाइस्ता नहीं तो फिर दुनिया में कुछ भी नहीं। ये क्या सीन है इस्तांबुल में? कोई इस्तांबुल वाला खाना वो हमने शुरू में किया था, लेबनीज टर्किश जो कुजीन है वो लाहौर के ज्यादा से ज्यादा। अच्छा तो पढ़ाई लाइफ की चीजें खाते हैं तो टर्किश कबाब वगैरह नहीं चलते? नहीं वो अभी चल रहे हैं। हमें खाने में मिर्ची मसाले, न्यूज भी मिर्ची मसाले, कोई बात तो जब तक बात मिर्ची मसाले लगा के ना करें तो हजम नहीं होती हमारी जैसी कौम को। कितना खाना खाइए कश्मीरी हांडी टाइप की, बस ठीक है कम नहीं पड़ेगा भाई? कितना खाना खाएंगे हम? मीठा क्या है? मीठा मुनाफा मिल जाए तो क्या बात। पार्क्स बने हुए वॉक के लिए, हमने पार्क्स को सिर्फ डेटिंग लोकेशन बनाई हुई। हाँ DHA में तो फिर भी पार्क्स यूज हो जाते हैं वॉक वगैरह के लिए। अब तो आप देखिए बाकी सारे कराची में जो हमारे ऐसे एरियाज हैं उनके पार्क्स तो बिल्कुल उजाड़ हुए होते हैं, कोई उसका ख्याल नहीं कर रहा होता और हम लोग नेकियाँ ढूंढ रहे होते हैं ना करने के लिए कि नेकी में कोई ऐसा काम हो जाए। हमें ख्याल नहीं आता ये पौधे जिन्हें लगाया होता है वो पानी की किल्लत की वजह से ख़त्म हो रहे होते हैं
और हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं अच्छी बातें सिखाने की। कभी कभी मुझे लगता है कि हम ये ज्यादती भी कर देते हैं कि हम सिर्फ अपने घर का ख्याल रखना उन्हें सिखा रहे होते हैं, मगर ये नहीं सिखा रहे होते कि उनकी इन्वायरमेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो तमाम चीज़ें नई तो जब होंगी तो होंगी, जो हैं ऑलरेडी उनको आबाद करना या उनको ख्याल रख लेना वही एक बहुत बड़ी नेकी या ड्यूटी आप बताएंगे उनको। ऐसे तो हम करते नहीं हैं। फाइनली मेरी फैमिली पहुंच गई है, फाइनली। पहले पहुंचे हुए थे, गुम हो गए हैं, इतना बड़ा एरिया गुम हो गए थे, नहीं सिनेमा गए हुए थे, बट एनीवेज हम पहुंच के वेट कर रहे थे, हमने कहा पीने की ट्रॉली, फाइनली पहुंच गए। ये बीफ बिहारी बोटी, बीफ बिहारी बोटी का ऑर्डर दिया था और मटन रिब्स, तो आपकी ये स्पेशलिटी है मटन रिब्स और बहुत ही गर्म है भाई। ये इस्तांबुल फिश है, ये इस्तांबुल फिश है, ये टर्किश कबाब है, चिकन के होते हैं टर्किश कबाब, ये अदना कबाब है, मटन का अदना कबाब मटन में होता है, लास्ट में इस्तांबुल रोटी। ठीक है, इसमें क्या खास मसाले जो फिश है? कौन से मसाले बताओ भाई? गरम मसाला हो गया, मस्टर्ड टेस्ट हो गया, क्रीम हो गई, इस तरह की फिश कर रही है, क्रीम भी मैरिनेट करने में आप यूज़ कर। और जो ये टर्किश कबाब है जी मैम, इसमें ये चिकन के होते हैं, इसमें क्या क्या आपको गलाने वाला पाउडर और कोई चीज नहीं, बस डायरेक्ट बारबेक्यू का जो असल टिप है ना वो ये कैसे लगाए है ना, तेल ऊपर से बहुत लगाना जरूरी। अच्छा ये आप क्या डाल रहे हैं ऊपर से? मैम हनी और मस्टर्ड पेस्ट, हनी और मस्टर्ड पेस्ट, ये किस चीज में डाला आपने? इस्तांबुल बोटी, इस्तांबुल बोटी। और वो जो आखिर में है वो क्या चीज़ है? ये बीफ बिहारी बोटी, बीफ बिहारी बोटी। और हमने कश्मीरी कढ़ाई भी बोली थी, कश्मीरी हांडी। चले जाए आपकी परमिशन है। अमूमन रेस्टोरेंट के लोग ना अपने किचन में जाना नहीं देते कि अगर राज खुल गया तो क्या हो। हमारे सामने बना दो भाई, पहले लाइव बनाया हमारे। ये कितने किलो चिकन यूज कर रहे हैं हम इसमें? आधा किलो, दही भी यूज, दही और टमाटर दोनों यूज हो? नहीं दही नहीं है, योगर्ट है, योगर्ट है। ओ योगर्ट नहीं, नहीं है। क्रीम बहुत अच्छी है, खाने भी इसमें मज़ेदार बन जाता है, रस के साथ अगर आप लगा के खाना चाहेंगे तो ट्राई करें। बेट कि अगर आप एक रस खाना चाहेंगे चाय के साथ, आप चार रस पे एंड करेंगे, एंड भी नहीं करेंगे, दिल जाएगा खाते जाए। पापों पे मलाई। और दूसरा वाला क्यों किया हुआ आपने? थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया इसका कलर, क्या डालेंगे? अदरक लहसुन का पेस्ट। ये आप लोग टमाटरों को पहले वो करके रख लेते हैं? हाँ उबाल के रखते हैं, पहले उबाल के फिर ग्राइंडर करते हैं। बटर चिली होती है, नमक होता है, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और चिली सॉल्ट। पहले मिल्क डाला है, अब इसमें क्रीम डलेगी ना। 500 ग्राम चिकन में पूरा पैकेट क्रीम का गया है और मिल्क भी डाला है थोड़ा सा। अफगानी टी, ऐसे ग्रीन टी बेसिकली है ना, ग्रीन टी चेंज होती है और ये गुड़ के साथ। हाँ खाना ज़रूरत से
से ज्यादा खा लिया है इस इस्तांबुल ग्रिल पर। फिश बहुत अच्छी थी, जैसे कि मैंने कैमरे पे आपको दिखाया भी। जो मटन काबली पुलाव था, अफगानी पुलाव, वो बहुत अच्छा था। कश्मीरी हांडी बहुत अच्छी थी। और एक वो मटन वाले कबाब थे, उसका नाम याद नहीं रहा। मटन अदना कबाब। जब भी इधर आए तो मटन अदना कबाब जरूर खाएं और हमें जरूर याद करें। एनीवेज अपनी फैमिली के साथ आए, बहुत मजा आया। और उस तरह से आए कि यहाँ ढेर सारा वक्त भी गुजार सकें, सिर्फ इस रेस्टोरेंट पे नहीं, अमेजिंग यहाँ का टूर लेने में। हमारे पास कराची में चॉइसेस बड़ी कम है कि लॉन्ग ड्राइव पे आप चले गए कहीं खाना। तो अगर आपको अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम गुजारना है, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और यहाँ का खाना भी हो जाएगा, ज़रूर करें। अब हम जा रहे हैं सिनेमा, वहाँ मूवी देखेंगे, पता नहीं कितने बजे फारिग होंगे। ये जो कैमरे पे हमारा कैमरा पर्सन है ना, इसको जाना है पहले। थैंक यू।